ठीक है ना। मुझे अध्यक्ष के रूप में काम करने के बाद अवसर मिलने के बाद पहली बार आज मऊ जिले के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में उपस्थित हुआ। माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, माननीय जिला अध्यक्ष जी, हमारे सुभाष जी विधान परिषद के सदस्य हैं, बहन शकुंतला जी, हम सब लोगों ने पार्टी के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी समीक्षा और आगामी दृष्टि से हम जो हमारे अभियान हैं उन अभियानों को किस प्रकार से हमें आगे बढ़ाना है इसकी चर्चा हमने अलग अलग माध्यमों से अलग अलग ग्रुपों में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हमने चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा से जुड़े लोगों का समूह है और हम प्रवास के नियमित कार्यकर्ताओं से मिलजुल कर बातचीत करके अपने संगठन का कार्य विस्तार और नए लक्षित कार्यों की चर्चा करके हम अपने संगठन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हमारे जो पुराने कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी हमने समीक्षा की है और आगे स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव है, नगर निकायों के चुनाव, इन सब की विस्तार से हम लोगों ने चर्चा की है और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम सब मिलकर आने वाले चुनावों में बेहतर राजनीतिक परिणाम प्राप्त हों इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करें। पूछ सकते हो आप अधिकारी, आपकी सरकार बेहद निरंकुश हो गए हैं, आपकी पार्टी के नेताओं की बात तक नहीं सुनी जा रही है, पत्रकार भी जेन्युइन बात लेकर किसी से मिल नहीं सकते, चाहे एसपी हो, चाहे डीएम हो, चाहे एडीएम हो, जेन्युइन सी बात, इसके संबंध में आप सरकार क्या कर रहे हैं? डीएम तो फोन ही नहीं उठाते हैं। सभी अधिकारी कर्मचारी जो एक व्यवस्था है उस व्यवस्था के आधार पर काम करते हैं और सरकार के संबंधित हमारे माननीय मंत्रीगण, सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी आवश्यक दिशा निर्देश हैं बैठकों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री दिशा निर्देश करते रहे हैं और मुख्यमंत्री जी का सभी सम्मानित विभागीय मंत्रियों का दौरा प्रवास सभी जिलों में नियमित रूप से होता है। आपके कोई व्यक्तिगत विषय हैं तो उनकी चर्चा हम लोग कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मंशा, हमारी सरकारों की मंशा, सरकारी कामकाज को लेकर एक पारदर्शी व्यवस्था के साथ हम सब लोगों के आगे बढ़ने की है, सरकार उस पर प्रयास कर रही है। युवा मोर्चा के कई सारे कार्यकर्ताओं के कानपुर सहित और भी शहरों में थानों में पीटे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी अपनी भूमिका को लेकर निश्चिंत और इस तरह के जो भी विषय हैं उन विषयों में पार्टी के सरकार के सारे संज्ञान में है, अगर इस तरह के कोई विषय हैं तो उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई हो। अखिलेश यादव ने गंगा विलास क्रूज को एक इलेक्शन स्टंट करार दिया है। अब समाजवादी पार्टी इस तरह के प्रपंच करती रही है तो उन्हें अपने अनुभव के आधार पर ये उन्हें बोलना है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम आम आदमी से जुड़े जो भी विकास के काम है उसमें कर रहे हैं। आज आप हमारे प्रयासों को, देश के प्रधानमंत्री जी के और योगी जी के प्रयासों से आप बनारस में किस प्रकार का धार्मिक पर्यटन बढ़ा है और बड़ी संख्या में लोगों को रोज़गार मिल रहा है और इस क्रूज के माध्यम से भी बड़ी संख्या में रोज़गार के अवसर उपलब्ध होंगे, ये सरकार का संकल्प है, देश के प्रधानमंत्री जी की ऐसी मंशा है, उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष जी, 2022 में ओम प्रकाश राजभर ने सपा से गठबंधन कर लिया, इससे बीजेपी को काफी नुकसान हुआ, तो क्या आगामी लोकसभा चुनाव है और उससे पहले नगर निगम के चुनाव, तो क्या ओम प्रकाश की कमी एक बार फिर आप ओम प्रकाश से हाथ मिलाकर पूरी करना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी को इस उत्तर प्रदेश की महान जनता ने बहुत आशीर्वाद और स्नेह दिया है। लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दलों के लोग भगवान से ये मांगते हैं, अपेक्षा करते हैं कि हमें 2/3 की बहुमत की सरकार बनाने का अवसर मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश की महान जनता ने 2-2 बार
पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, दो तिहाई बहुमत की सरकार बनाने का अवसर हमें दिया। जहां तक किसी के आने जाने का या गठबंधन का विषय है, गठबंधन केंद्रीय नेतृत्व करता, केंद्रीय पार्टी तय करती है। लेकिन अगर कोई हमारे विचार से सहमत है, हमारी विचारधारा के साथ चलना चाहता है, हम सबका स्वागत करते हैं, चाहे उसमें कोई भी। नहीं तो अभी थोड़े दिन पहले पानी पी पी कर कोसते रहे आपकी पार्टी को, वर्तमान व्यवस्था, आप वर्तमान की बात करिए। वर्तमान में कोई हमारे साथ आना चाहता है, हमसे सहमत है, हम स्वागत करेंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामायण रामचरित मानस को लेकर टिप्पणी किया है, शूद्र और महिला विरोधी, इससे आप क्या कहेंगे? अब ये उनकी सोच है और उस सोच पर उनकी सरकार को, उनके नेताओं को जवाब देना चाहिए। अध्यक्ष जी, संगठन विस्तार की आप बात कर रहे थे, संगठन को मजबूत बनाने की। 2014 के चुनाव में आपके पास लोकसभा थी और 17 में आपके पास 3 विधानसभा थी। 2021 में आपके पास 1 विधानसभा है, लोकसभा भी नहीं। क्या संगठन में कहीं कमी है या आपने रणनीति में कहीं कमजोरी? 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 73 सीटें लोकसभा में मिली थी और हमें 42% वोट मिले थे। 2019 में हमारा वोट परसेंटेज बढ़ के 51 हो गया। हाँ, गठबंधन के कारण कुछ सीटें हमारी कम हुई हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा जनादेश मिला है और भारतीय जनता पार्टी को एक जिले और एक मंडल तक सीमित ना करा जाए। अब भाजपा सबकी पार्टी है, सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी स्वरूप है हमारा। पूरब से लेकर पश्चिम तक और पश्चिम से लेकर पूरब तक बड़ी संख्या में भाजपा के विधायक हैं। आपने किसी जिले विशेष क्षेत्र की बात कही है, हम लोग सतत संपर्क के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रहकर हमने सारी समीक्षा की है, सारे विषयों की आज भी की है और हम उन विषयों को दूर करके मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। ये आपको किसने समझाया? तो आप सुनिए, हाईकोर्ट ने सीधे सीधे खारिज कर दिया। 2010 का एक माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश था और पिछड़े वर्गों की आबादी का जो रैपिड सर्वे होता आकलन के लिए, उस सर्वे को लेकर माननीय न्यायालय ने एक आदेश किया था कि डेडिकेटेड कमीशन बनाकर ट्रिपल टेस्ट कराया जाए, तब आगे बढ़ा जाए। 2010 के पंचायतों के चुनाव हुए, 2012 में नगर निकायों के चुनाव हुए, 2015 में पंचायतों के चुनाव हुए और 2017 में नगर निकायों के चुनाव हुए और 2021 में फिर पंचायतों के चुनाव। ये विषय सामने नहीं आया। लेकिन समाजवादी पार्टी के एक नेता के षड्यंत्र के कारण चुनाव टालने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। जी, कोर्ट कौन गया? समाजवादी पार्टी के विधायक के भाई कोर्ट गए और उन्होंने कोर्ट अपनी सीट उनके अनुसार आरक्षित ना होने के कारण कोर्ट गए वो, और उन्होंने चुनाव को टालने का काम किया। हमारी सरकार ने डेडिकेटेड कमीशन बनाकर और ट्रिपल टेस्ट कराकर नियम अनुसार विधि संबद्ध संविधान में प्रदत्त जो भी आरक्षण है, उस आरक्षण के आधार पर चुनाव कराने का संकल्प है हमारा। उसी संकल्प के आधार हम लोग चुनाव कराएंगे। और समाजवादी पार्टी के रिश्तेदार हैं मुलायम सिंह जी के, लालू यादव जी, बिहार में उन्हीं की पार्टी की सरकार है, अखिलेश जी जवाब दें इस बात का। उन्होंने बगैर पिछड़े वर्गों के आरक्षण दिए चुनाव कराया है। समाजवादी पार्टी की सोच पिछड़ा विरोधी है। समाजवादी पार्टी पिछड़ों में अपना घर, अपना परिवार और सैफई को ढूंढती है। बहुत बहुत धन्यवाद।